Hello students. So the question is, among the following, the maximum covalent character is shown by the compound. तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है, तो आइए देखते हैं इन चारों में से कौन सा राइट आंसर है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन कहाँ से आया है। एक केमिकल बॉन्डिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो क्या है, फेजन्स रूल, वहाँ से आया है। और फेजन्स रूल को याद करने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक्स होता है, वो क्या है, अकॉर्डिंग टू फेजन्स रूल द कोवेलेंट कैरेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ द स्पीसीज, मतलब कैटायन और एनायन, दैट मीन्स चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन। इसका मतलब क्या है, स्पीसीज में जो कैटायन है और जो एनायन है उसके चार्ज के साथ कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर चार्ज ज़्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, अगर चार्ज कम है तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। पर अगर इससे डिटरमाइन नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इससे डिटरमाइन नहीं हुआ तो हम लोग देखेंगे कि कोवेलेंट कैरेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ एनायन डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ कैटायन। इस फॉर्मूला को बहुत ही अच्छे से आपको याद रखना है। तो इसका मतलब क्या है, स्पीसीज में जो कैटायन है और एनायन है कोई भी एक का अगर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। और अगर इससे नहीं डिटरमाइन हुआ तो हम लोग जाएंगे रेडियस में, और वो क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर एनायन का जो रेडियस है उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और कैटायन का जो रेडियस है उसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो आइए देखते हैं इस फॉर्मूला को कैसे हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन में कैटायन क्या है, एल्यूमिनियम प्लस 3 और एनायन है 3Cl माइनस। सेकेंड ऑप्शन में कैटायन है Mg प्लस 2 और एनायन है 2Cl माइनस। थर्ड ऑप्शन में कैटायन है Fe प्लस 2, एनायन है 2Cl माइनस। और फोर्थ ऑप्शन में कैटायन है Sn प्लस 2 और एनायन है 2Cl माइनस। तो यहाँ पर एनायन जो है वो सबके सब सेम है और उसका चार्ज भी सेम है, लेकिन कैटायन में देखो फर्स्ट ऑप्शन में कैटायन का जो चार्ज है वो सबसे ज़्यादा है, और कोवेलेंट कैरेक्टर कैटायन हो और एनायन हो उसके चार्ज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिसका चार्ज ज़्यादा है उसके कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, दैट मीन्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आई थिंक आंसर इज क्लियर। बेस्ट ऑफ लक।